हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया था, हमने रेजिस्टेंस समझ लिया था, रेजिस्टेंस का सिग्निफिकेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, एंड हमने रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये कॉन्सेप्ट समझ लिए थे, रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस, और हमने रेजिस्टेंस पर कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ लॉज. हम कुछ और लॉज देखते हैं विच गवर्न करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को गवर्न करते हैं. एंड यही वो लॉज होंगे जो ओम्स लॉ के साथ मिलके किसी भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, ये जो लॉज अब हम पढ़ेंगे, दीज लॉज कंबाइंड विद ओम्स लॉज, दीज लॉज आर यूज टू एक्सप्लेन ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड सॉल्व ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं किरचॉफ्स लॉज. साइंटिस्ट के नाम पर ही अगेन नाम है. यस, हाँ, ओके, यस. तो वो जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था लास्ट लेक्चर में, क्या वो सॉल्व किया है, क्या उसका आंसर आ गया है? हाँ, क्या उसका आंसर निकाल लिया है? ओके, फाइन. सो पहले हम फिर वही करते हैं, उसी को डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था लास्ट लेक्चर में, दैट वॉज देर इज अ ट्रंकेटेड कोनिकल शेप्ड कंडक्टर, इस तरह का एक कंडक्टर है विद लार्जर रेडियस एज बी, स्मॉलर रेडियस एज ए, लेंथ एल, एंड रेजिस्टिविटी वॉज गिवन एज रो. रेजिस्टिविटी जो है वो हमें रो गिवन थी. ठीक है, हम इस क्वेश्चन को पहले देख लें, सॉल्व कर लें. नाउ यहां पर क्या क्या हमारे सामने प्रॉब्लम है सॉल्व करने में, सबसे पहले उसको समझे हम. जो हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा था रो एल अपॉन ए, उसमें हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को यूनिफॉर्म मान रहे थे. द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वॉज अज्यूम्ड कॉन्स्टेंट, यूनिफॉर्म माना था हमने उसे. और अब इस केस में वो एप्लीकेबल नहीं है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा. सो डेफिनेटली वील हैव टू डू समथिंग एल्स, हमें कुछ और करना पड़ेगा. हम यहां पर देखें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. हम इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करेंगे, और फिर हम उन सारे छोटे छोटे पार्ट्स का रेजिस्टेंस लिखकर उन्हें सम अप करके, एड अप करके टोटल रेजिस्टेंस लिखेंगे. हम कुछ ऐसा बोले, यहां पर हम ए वाले क्रॉस सेक्शन से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं. वी कंसिडर एन एलिमेंट एट डिस्टेंस x फ्रॉम द स्मॉलर क्रॉस सेक्शन हैविंग अ रेडियस r. इसका रेडियस कुछ r बोल दूं मैं. ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, कंसिडर सर्क्यूलर, या हम बोले स्मॉल डिस्क, एक पतली सी बहुत छोटी सी डिस्क बनेगी, स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस डी डीएक्स. एट distance x from smaller cross section. ऐसा हम consider करें. ठीक है, now the resistance of this small disk will be given by dr equal to rho dx
अपॉन पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। ये एक्सप्रेशन देखे, क्या ये क्लियर है? हम बोल रहे हैं ये जो छोटी सी पतली सी एक डिस्क होगी, इसका जो छोटा सा रेजिस्टेंस होगा, डिफरेंशियल रेजिस्टेंस होगा, दैट विल बी गिवन बाय रो डीएक्स अपॉन पाई आर स्क्वायर। रो इसकी रेजिस्टिविटी, डीएक्स ये लेंथ होगी जिसके अलोंग करंट फ्लो करेगा, एंड पाई आर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। अब हम बोल रहे हैं अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, द टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द समेशन, द इंटीग्रेशन ऑफ दिस रेजिस्टेंस, द इंटीग्रेशन ऑफ दिस रेजिस्टेंस, ये हमें टोटल रेजिस्टेंस दे देगा। अब यहां पर एक बड़ा प्रॉब्लम फिर से जो है, देर आर टू वेरिएबल्स। हम इंटीग्रेशन में इस तरह से दो वेरिएबल्स के साथ वर्क नहीं कर सकते, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है उसी के टर्म्स में एक्सप्रेशन होना चाहिए। द एक्सप्रेशन शुड बी इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू विच वी आर इंटीग्रेटिंग। या तो हम जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको चेंज कर दें, या फिर हम जो इंटीग्रेंड है, जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको उस एक वेरिएबल के टर्म्स में ले आए जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हमें x और r में एक रिलेशन चाहिए, वी वॉन्ट अ रिलेशन बिटवीन x एंड r, हमें x और r में एक रिलेशन चाहिएगा। वो किस तरह से ला सकते हैं ये देखिए, हम इस कोन को कंप्लीट करें, इस तरह से मैं इस कोन को कंप्लीट कर देता हूं। नाउ ऑब्जर्व दैट दिस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल बनेगा, दीज आर टू सिमिलर ट्राइंगल्स। जो दो ट्राइंगल्स मैंने मार्क किए, एक ये वाला और एक ये वाला, दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स, ये जो है सिमिलर ट्राइंगल होंगे। सिमिलर ट्राइंगल्स की हम एक प्रॉपर्टी रिकॉल करें जो हम यहां अप्लाई करेंगे, द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम। जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स होती है, मतलब यहां पर ये साइड का इस साइड के साथ रेशियो जो होगा, वही इस साइड के साथ रेशियो होगा, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है तो जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो सेम रहता है, ठीक है। बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करके हम यहां इस एंगल के थ्रू, इस स्लोप के थ्रू डिनोट करते हैं, इस स्लोप के थ्रू हम इसे देखते हैं, उससे बेटर होगा। हम यहां पर इस टैन थीटा की वैल्यू लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट, टैन थीटा की वैल्यू मैं लिखने की कोशिश करता हूं इन टर्म्स ऑफ ऑल द कांस्टेंट्स विच आर अवेलेबल विद अस। देखो अब ये एंगल अगर थीटा है तो यहां पर ये जो एक एंगल बन रहा होगा इस जगह पर, दिस विल ऑल्सो बी थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा। यहां पर इस जगह पर ये जो एक एंगल बन रहा होगा जिस स्लोप के साथ, जो स्लोप है इस ट्रंकेटेड कोन का, इस कोन का जो स्लोप है वो हम लिखते हैं। तो This dimension will be equal to b minus a base
सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी माइनस ए अपॉन एल, इस तरह का रिलेशन हमारे पास आएगा. टैन थीटा विल बी इक्वल टू बी माइनस ए इतना लेंथ अपॉन ये एल. ठीक है, इसी तरह से हम टैन थीटा को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं. टैन थीटा विल बी इक्वल टू आर माइनस ए अपॉन एल माइनस एक्स, सॉरी एक्स, आर माइनस ए अपॉन एक्स. हम एक थोड़ा बेटर डायग्राम बनाए ताकि ये चीज समझ में आ जाए. इस तरह का हमने सेटअप लिया है. ये यहां ज्योमेट्री है, मैं बोल रहा हूं ये एंगल थीटा है, दिस इज एंगल थीटा. तो मैं एक कंस्ट्रक्शन यहां पर कर रहा हूं इस तरह से, ये एंगल भी थीटा होगा, और मैं बोल रहा हूं ये जो रेडियस आर और लेंथ एक्स वाला है इसके लिए भी ये एंगल थीटा ही होगा. ठीक है, ये बी है, ये है. तो मैं बोल रहा हूं बी माइनस ए विच विल बी दिस लेंथ अपॉन एल, ये जो लेंथ है ये एल है, दिस विल बी टेन थीटा. एंड ऑल्सो आर माइनस ए अपॉन एक्स विल ऑल्सो बी टेन थीटा, ये भी टेन थीटा होगा. इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, दोनों ही टेन थीटा है, हमें रिलेशन मिलेगा बी माइनस ए अपॉन एल इज इक्वल टू आर माइनस ए अपॉन एक्स. ठीक है, ये रिलेशन हमें मिलेगा. अब हम क्या बोल रहे हैं, हमें वेरिएबल एलिमिनेट करना है. या तो हम इंटीग्रेशन आर के रिस्पेक्ट में कर ले, या फिर हम इस पाई आर स्क्वायर को, आर स्क्वायर को एक्स के टर्म्स में ले आए. ठीक है, या तो हम इंटीग्रेशन आर के रिस्पेक्ट में कर ले, या फिर हम आर स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के टर्म्स में लिख ले. हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है. हम दोनों में से कुछ भी यहां पर कर सकते हैं, हमारी मर्जी है. बट वील सी दैट अगर हम इस इंटीग्रेशन वाले वेरिएबल को, सॉरी जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको अगर हम बदल लेंगे तो यहां इंटीग्रेशन हमें आसान दिखने लगेगा. ठीक है, ये हमें देखते से नहीं समझ में आएगा, पर इस तरह का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं, हम दोनों तरीके से करके देखें, देन वील सी दैट वेन वी चेंज द वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू विच वी आर इंटीग्रेटिंग तब ये आसान दिखने लगेगा. मतलब हमें dx को एलिमिनेट करना है, मैं x को लिख लेता हूं, x इज इक्वल टू l अपॉन b माइनस ए विच इज कॉन्स्टेंट इंटू आर माइनस ए. डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू r, मुझे मिलेगा dx इक्वल टू l अपॉन b माइनस ए dr. ठीक है, हम सिंपल सा एक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं. हम यहां इस dx को, इस dx को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, इसे dr से रिलेट करना चाहते हैं. ठीक है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है हम समझे. लेंथ किस रेट से चेंज हो रही है और रेडियस किस रेट से चेंज हो रहा है उनको हम रिलेट कर रहे हैं. व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, ये हम वहां लिख रहे हैं जब हम ये इक्वेशन लिख रहे हैं. तो ये वैल्यू हम उस इंटीग्रेशन में पुट कर दें तो हमें मिलेगा r इक्वल टू इंटीग्रल रो अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन बी माइनस ए डी आर. नाउ व्हाट विल बी द लिमिट्स फॉर r, r की लिमिट्स क्या होगी. r जो है वो a से b तक जा रहा है, आर जो है वो ए से बी तक जाएगा. अगर हम एक्स के टर्म्स में लेके आते इंटीग्रेशन को तो एक्स जाता जीरो से एल तक. अभी हम आर के टर्म में लिख रहे हैं तो आर जाएगा ए से बी तक.
लिमिट्स पुट कर दें, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लें, रो एल अपॉन पाई इंटू बी माइनस ए, इंटीग्रल ए टू बी डी आर अपॉन आर स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी आर, ठीक है, विच इज अ वेरी सिंपल इंटीग्रल, जिसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता है माइनस 1 बाय आर, माइनस 1 बाय आर ए टू बी, ठीक है, लिमिट्स पुट कर दें, माइनस 1 बाय बी माइनस माइनस 1 बाय ए, सो हमें मिलेगा 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी, और सिंप्लीफाई करें तो मिलेगा b माइनस ए अपॉन ए बी, बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा एंड आर आंसर विल बी रो l अपॉन पाई ए बी। ठीक है, आर आंसर विल बी रो l अपॉन पाई ए बी। ध्यान से देख, सॉल्यूशन हमारे सामने चैलेंजेस क्या थे, क्यों इसे हम डायरेक्टली, इसका रेजिस्टेंस हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, उस चीज को समझे और फिर कैसे हमने सॉल्व किया ये देखें। हम डायरेक्टली रेजिस्टेंस इसलिए नहीं लिख पाए बिकॉज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वॉज नॉट यूनिफॉर्म। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं था तो हमें उसे डिवाइड करना पड़ा छोटे छोटे पार्ट्स में। हमने इस तरह से एलिमेंट कंसिडर किया, उस एलिमेंट का हमने रेजिस्टेंस लिखा, उसमें हमें फिर से एक और चैलेंज दिखा, हमें एक और प्रॉब्लम दिखी दैट देर आर टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स हैं वहां पे, हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लिया इस तरह से, इस तरह से हमने उन दोनों वेरिएबल्स में एक रिलेशन निकाल लिया। नाउ वी हैव टू ऑप्शंस, या तो हम इस आर स्क्वायर की जगह यहां से हम x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते, यहां से हम r स्क्वायर को x स्क्वायर के टर्म्स में निकाल लेते, दिस वॉज वन मेथड, या फिर हमने जो मेथड यूज किया सॉल्व करने में, हमने dx को dr से रिलेट कर दिया, हमने dx को dr से रिलेट कर दिया। ये क्वेश्चन है, रिजल्ट जो है वो बहुत सिंपल दिख रहा है हमें, द फाइनल रिजल्ट इज अपीयर्स वेरी सिंपल, रो एल अपॉन पाई ए बी, जैसे पाई आर स्क्वायर आता उसकी जगह पाई ए इंटू बी आ गया। ठीक है, ध्यान से देख लें क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को। फाइन, सो हम वापस आते हैं किरचॉफ्स लॉज पर।
सो हम कंटिन्यू करते हैं किरचॉफ्स लॉज, ठीक है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेट ऑफ लॉज विच गवर्न करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को गवर्न करते हैं. ऑलमोस्ट आगे हम सारी चीजें इन्हीं लॉज को अप्लाई करके, इन्हीं लॉज के कंक्लूजन को यूज करके ही सॉल्व करेंगे, सब कुछ डेवलप करेंगे. सो किरचॉफ्स लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स लॉज का इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. इन्हें किस तरह से अप्लाई करना होता है, क्या ये लॉज होते हैं, इन्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. किरचॉफ्स लॉज में दो लॉज होते हैं, दो लॉज हमें पढ़ने होते हैं, समझने होते हैं. द फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड किरचॉफ्स करंट लॉ और जंक्शन लॉ. शॉर्ट में इसे हमेशा केसीएल बोल दिया जाता है. शॉर्ट में इसे हम हमेशा केसीएल बोल देते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स जंक्शन लॉ. ठीक है, स्टेटमेंट सबसे पहले हम इसका देते हैं. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ? किरचॉफ्स करंट लॉ स्टेट्स दैट एट एनी जंक्शन इन अ सर्किट, एट एनी जंक्शन इन अ सर्किट द टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द टोटल आउटगोइंग करंट. एट एनी जंक्शन इन अ सर्किट द टोटल इनकमिंग करंट is equal to the total outgoing current. Is equal to the total outgoing current. At any junction in a circuit, कोई भी circuit हो, कोई भी electrical circuit हो, उसके किसी भी जंक्शन पर. नाउ व्हाट इज अ जंक्शन? अ जंक्शन इज एनी पॉइंट इन द सर्किट विच हैज मोर देन वन कनेक्शंस, और वी कैन से मोर देन टू कनेक्शंस. कोई भी पॉइंट जहां पर दो से ज्यादा कनेक्शंस किए गए हो, ठीक है. हमने एक बैटरी जोड़ दी, एक रेजिस्टर जोड़ दिया, एक और रेजिस्टर जोड़ दिया, एक कैपेसिटर जोड़ दिया, एक ही पॉइंट पर, ठीक है. जंक्शन से हमारा मीनिंग है एनी पॉइंट, any point in the circuit, any point of the circuit where more than two, where more than one or more than two devices, electrical devices are connected, ठीक है. जहां पर किसी भी point पर हम दो से ज्यादा चीजें connect कर देते हैं, उसे हम एक junction बोल देंगे. उस चीज, उस जगह पर आकर सब currents मिल रहे हैं, junction बन रहा है वहां पर. क्या हम बोल रहे हैं यहां पे? अगर कोई एक जंक्शन है, उस पे सपोज अलग अलग डिवाइसेस से इस तरह से करंट्स आ रहे हैं, I1, I2, I3 एंड सो ऑन, और इस तरह से करंट बाहर जा रहा है. ठीक है, एरोस को ध्यान से देखें. जो एरो जंक्शन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, द एरोस पॉइंटिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, दे आर शोइंग द इनकमिंग करंट. कौन सा करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है? द एरोस पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द जंक्शन,
दे आर शोइंग द आउट गोइंग करंट, कौन सा करंट बाहर जा रहा है. सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, इन दिस केस, इस केस में आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री विल बी इक्वल टू आई फोर प्लस आई फाइव. द टोटल इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू टोटल आउट गोइंग करंट. द टोटल इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू टोटल आउट गोइंग करंट. ठीक है, इनकमिंग आउटगोइंग कैसे देखना है ये जरूर आप समझ लें, क्लियर कर लें. जो भी करंट जंक्शन की ओर पॉइंट कर रहा है, द करंट विच इज कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, जिसका एरो जंक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है, दैट इज द इनकमिंग करंट. जो भी करंट का एरो जंक्शन से दूर पॉइंट कर रहा है, अवे फ्रॉम जंक्शन पॉइंट कर रहा है, That is the outgoing current. So total incoming current will be equal to total outgoing current. ठीक है, हम more than two इसलिए बोल रहे थे, अगर दो ही चीजें connected हैं तो बहुत obvious सी बात होगी, जितना आया है उतना ही चला जाएगा, जितना current आई आया उतना ही चला जाएगा. If there are only two devices connected, तो जितना करंट आया उतना ही करंट चला जाएगा. So the law is still applicable, पर इस law का major significance, major application तभी होगा when there are more than two devices connected at the same point, जब किसी point पर दो से ज्यादा चीजें connected होंगी. इसका major significance तभी होगा, although it will always be applicable if only two things are connected, यदि सिर्फ दो ही चीजें connected हैं, जितना आएगा उतना ही चला जाएगा. In any other case, there will be division of current, there will be distribution and combining of current. ठीक है, यहां पर हम ऐसा समझ ले, पहले ये पूरा करंट कंबाइन हुआ, फिर ये इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. ये लॉ कहां से आया है इसको हम थोड़ा सा समझे. इस लॉ का जो बेसिस होगा, जो प्रिंसिपल होगा, दैट विल बी चार्ज कंजर्वेशन. हम यहां पर बोलेंगे द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस लॉ इज चार्ज कंजर्वेशन. KCL इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन. ठीक है, द बेसिस ऑफ दिस लॉ, द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस लॉ इज चार्ज कंजर्वेशन. चार्ज कंजर्वेशन कैसे अप्लाई हो रहा है हमने, हाँ यहां पर हमने क्या कहा था, करंट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्जेस. सो इफ द फ्लो इज स्टेडी, अगर फ्लो जो है वो स्टेडी है, इफ द फ्लो इज स्टेडी एंड देर इज नो अक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस एट एनी पॉइंट, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस जंक्शन पर चार्ज इकट्ठा नहीं होगा, तो जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज जाना चाहिए. सेकेंडली द फ्लो शुड रिमेन कंटिन्यूअस. ठीक है, फिर से हम इसे फ्लूइड डायनामिक्स से अगर रिलेट करें तो हम बोलते हैं कहीं पर अगर फ्लो हो रहा है तो जितना फ्लूइड हम पुश करेंगे उतना ही फ्लूइड दूसरी तरफ से बाहर आएगा. सिमिलरली जितना चार्ज यहां से आ रहा है उतना ही चार्ज यहां से बाहर निकलना चाहिए. इन सम टाइम डेल्टा टी, इफ डेल्टा क्यू चार्ज इज कमिंग हियर देन डेल्टा क्यू चार्ज should come out in the same time. So net incoming current jo hai, the net incoming current should be equal to net outgoing current. Theek hai? Thus this law, thus the current law, junction law, a simple principle behind it, charge conservation. Charge conserved rehna chahiye, charge ikhatta nahi hona chahiye, चार्ज के फ्लो में कोई ब्रेकेज भी नहीं होना चाहिए. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ज्यादा करंट आ गया कम करंट बाहर गया,
ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कम करंट आया ज्यादा करंट बाहर चला गया, दोनों ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नाउ व्हाइल अप्लाइंग दिस लॉ इन क्वेश्चंस, इस लॉ को क्वेश्चंस में अप्लाई करते समय एक बात हम याद रखें, एक चीज का हम ध्यान रखें, ठीक है, वी कैन कॉल दिस अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, इसे हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बोल सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं अ पॉइंट विच वी शुड रिमेंबर व्हाइल अप्लाइंग केसीएल इन सॉल्विंग क्वेश्चंस, इट इज दैट समटाइम्स वी मे नॉट बी एबल टू जज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। कई बार हम ये जज नहीं कर पाएंगे कि सर्किट में कहां पर करंट की क्या डायरेक्शन है, ठीक है। अभी एकदम से ये बात हमें समझ में नहीं आएगी, जब हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे तब मैं एग्जांपल्स के थ्रू ये बात बताऊंगा, ये चीज हम शो करेंगे। कई बार जो डायरेक्शन हमें करंट की लगती है एक्चुअल में वो नहीं होती है, और हम सॉल्व करके जब पता करते हैं तो हमें डायरेक्शन ऑपोजिट मिलने लग जाती है। हम यहां पर इस नोट में ये बोल रहे हैं इट डज नॉट मैटर, हमें करंट की डायरेक्शन समझ में आए चाहे ना आए, इट डज नॉट मैटर। फाइनली सॉल्व करके अपने आप सारी चीजें सही मिल जाएंगी। फाइनली ये जो लॉज हैं ये इस तरह से वर्क करते हैं कि सॉल्व करने पर हमें सही डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। इस नोट में हम ये कह रहे हैं इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट क्लियर व्हाइल सॉल्विंग अ क्वेश्चन, व्हाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज डाउटफुल, इज नॉट क्लियर, देन अज्यूम एनी डायरेक्शन। अज्यूम एनी डायरेक्शन, कोई सी भी डायरेक्शन अज्यूम कर लो। अब यहां डायरेक्शन से ये मीनिंग नहीं है कि नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट वेस्ट, ये वो नहीं भाई। एक वायर है तो उसमें दो डायरेक्शन हो सकती है, ए और बी अगर उसके एंड पॉइंट है तो ए टू बी जा सकता है, बी टू ए जा सकता है, दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है। कोई सी भी अज्यूम कर लो, फॉरवर्ड रिवर्स कोई सी भी अज्यूम कर लो। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज डाउटफुल देन अज्यूम एनी डायरेक्शन। ऑन सॉल्विंग क्वेश्चन, सॉल्व करने पर अगर करंट की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चन इफ वी गेट द वैल्यू पॉजिटिव देन वी अज्यूम द करेक्ट डायरेक्शन। ऑन सॉल्विंग इफ वी गेट नेगेटिव वैल्यू ऑफ करंट देन द एक्चुअल डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू दैट वी अज्यूम्ड। हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करें, अगर वैल्यू पॉजिटिव मिलती है तो हमने डायरेक्शन सही अज्यूम की थी, अगर हमें वैल्यू नेगेटिव मिलती है तो हमने डायरेक्शन गलत अज्यूम की थी, डायरेक्शन एक्चुअल जो है वो उसके ऑपोजिट होगी। इन एनी केस द मैग्नीट्यूड विल कम आउट टू बी सेम। ये लॉज इस तरह से वर्क करते हैं, इस तरह से डिजाइन है कि हम जब सॉल्व करेंगे तो भले ही प्लस या माइनस आए वैल्यू हमेशा सेम आएगी, द वैल्यू विल ऑलवेज कम आउट टू बी सेम, ठीक है। तो हमें बस प्लस और माइनस का ध्यान रख लेना है, अगर प्लस आई है तो हमने डायरेक्शन सही मानी थी, अगर माइनस आई है तो हमने डायरेक्शन गलत मानी थी, एक्चुअल डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगी। द वैल्यू विल कम आउट टू बी सेम इन बोथ द केसेस, द मैग्नीट्यूड विल कम आउट टू बी सेम इन बोथ द केसेस। इफ ऑन सॉल्विंग इफ If value comes out to be positive, then direction was correct if negative, then actual direction is opposite. The actual direction is opposite to the direction that we assumed. जो direction हमने assume की थी, actual direction उसके opposite होगी।
मैग्नीट्यूड विल कम आउट टू बी सेम इन बोथ केसेस. The magnitude will come out to be same in both the cases. ठीक है, ये नोट, ये पॉइंट अभी लिख कर रख लो. इट मे नॉट बी एब्सोल्यूटली क्लियर राइट नाउ. अभी ये हो सकता है पूरी तरह से क्लियर ना हो, पूरी तरह समझ में ना आए. जब हम क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, तब क्लियर हो जाएगा. ठीक है, जब इस नोट का हम एप्लीकेशन देखेंगे, इस चीज का हम एप्लीकेशन देखेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं यहां पे. ठीक है, दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट लॉ. ये जो है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ हो जाता है.